Again, thanks for being associated with An Academy, watching Akhilesh Kumar. अखिलेश कुमार के वीडियो को देखने के लिए आप इस आईडी पे फॉलो करते रहें, राइट? अपने रिमार्क्स और कमेंट्स देते रहें जो हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करें, ठीक है? प्रीपोजिशन सेगमेंट को हमने उठाया, हमने आपको ये भी दिखाया कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का घर कहाँ होता है। हमने जाना कि प्रीपोजिशन नाउन, प्रोनाउन या क्रिया के पहले होता है। नाउन होता है तो ठीक है, प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्रिया आता है तो वर्ब में आईएनजी लगता है क्योंकि उसे जीरेंड बना के नाउन बनाते हैं। फिर हम लोगों ने प्रीपोजिशन के अलग अलग सेगमेंट को डिस्कस करना शुरू किया, अर्थात हमने सेगमेंट बनाया, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं, उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो प्रीपोजिशन जो टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, टाइम को दर्शाने के लिए यूज होते हैं, कैसे होते हैं। वो प्रीपोजिशन जो प्लेस के लिए दर्शाने के लिए होते हैं, कैसे होते हैं। वो प्रीपोजिशन जो प्ले रिलेशन को दर्शाने के लिए होते हैं, वो कैसे होते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वो प्रीपोजिशन जो किसी अवस्था को, किसी स्टेज को दर्शाते हैं या स्टेज के कंडीशन को, मतलब मूवमेंट को दर्शाते हैं, वो प्रीपोजिशन कैसे होते हैं, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं कि किस तरह के प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन हम लोगों ने इससे पहले जो 6 सेगमेंट देखा था, अभी 7वां सेगमेंट देखने जा रहे हैं हम लोगों ने। 7वां सेगमेंट ये है कि वो प्रीपोजिशन जो किसी एम को, गोल को, पर्पज को, टारगेट को दर्शाए, उसे हम, वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम एम, गोल, पर्पज, टारगेट को दर्शाते हैं तो वहां फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही बॉट ए पेन फॉर मोहन, मतलब यहां पर्पज क्या है कि उसने मोहन के लिए पेन खरीदा है, राइट। हमने कहा ही इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब पर्पज क्या है, वो इस पद के लिए योग्य है। हमने कहा कि आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक या आई एम अप्लाइज फॉर माई मिस्टेक, मतलब मैं अपने पर्पज दर्शा रहा हूं कि इस मिस्टेक के लिए मैं माफी मांगता हूं। मतलब फॉर का प्रयोग आप एम, गोल, पर्पज, टारगेट को दर्शाने के लिए करते हैं। जो हमने दिखाया कि आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम अप्लाइज फॉर दैट, ठीक है। ही बॉट ए पेन फॉर दिस, राइट। नरेंद्र मोदी इज मोस्ट एलिजिबल लीडर फॉर पीएम पोस्ट, राइट। तो पर्पज क्या है कि ए पर्पज को है कि वो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए फिट है, योग्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आठवां सेगमेंट देखते हैं हम लोग। आठवां सेगमेंट ये है हमारा कि जब किसी ओरिजिन या सोर्स को दर्शाना होता है तो वहां हम फ्रॉम और ऑफ का प्रयोग करते हैं, राइट। ओरिजिन और सोर्स मतलब किसी की उत्पत्ति, उद्गम और स्रोत, मतलब वो चीज आया कैसे है, वो बना कैसे है, उसका सोर्स कहाँ है, वो कहां से निकल के आया है, इन चीजों को दर्शाने के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग फ्रॉम और ऑफ का प्रयोग करते हैं। कहां फ्रॉम लगाते हैं और कहां ऑफ, इस चीजों को दिखाएंगे। जैसे देखें, दिस रोड रन्स फ्रॉम पटना टू गया, ये इसकी ओरिजिन है, मतलब ये इसका माध्यम है जिसके माध्यम से आप पटना जा सकते हो या गया, पटना से गया जा सकते हो। दिस रोड रन्स फ्रॉम पटना टू गया। आई बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी उस बुक को जनरेट करने का, उत्पत्ति करने का, उद्गम करने का, उसका स्रोत का साधन है वो। तो जहां भी हमें स्रोत दिखाना होता है, साधन दिखाना होता है, वहां हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे हमने कहा दिस रोड रन्स फ्रॉम पटना टू गया, ये इसका स्रोत है, इसी के माध्यम से आप पटना से गया जा सकते हैं। हमने कहा आई बोरोड ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी से आप अपने बुक, मतलब माध्यम वही है कि आप लाइब्रेरी से बुक प्राप्त कर सकते हैं। आपने कहा ही कम्स ऑफ रिच फैमिली, मतलब उसका स्रोत ये है कि वो एक अच्छे परिवार से, एक अमीर परिवार से आता है, ये उसका उद्गम है, ये इसका उद्भव है, ये इसका स्रोत है। तो इसलिए यहां हम लोगों ने ऑफ लगाया, ही कम्स ऑफ रिच फैमिली। हमने कहा इट इज अ पोएम ऑफ दिनकर, मतलब दिनकर ही इसके रचयिता है, राइट ना, अर्थात इसके सोर्स कौन है, दिनकर है, इसलिए यहां ऑफ लगाया है। मतलब ओरिजिन और सोर्स को दर्शाने के लिए आप फ्रॉम और ऑफ का प्रयोग करते हैं, जो हमने देखा यहां पे, राइट। आगे बढ़ते हैं।
हमने कहा सेपरेशन। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जहां भी अलगाव का बोध होता है वहां फ्रॉम का प्रयोग होता है, और यहां एक ऐड कर रहा हूं, फ्रॉम का भी प्रयोग होता है और ऑफ का प्रयोग होता है, ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ का भी प्रयोग होता है। जहां भी सेपरेशन होता है, अलगाव होता है, जैसे हिंदी में आपने कहा ना आपादान से, तो जो आपादान का से होता है वो से सेपरेट करता है, अलगाव करता है, तो आपादान का से के लिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश में इंग्लिश फ्रॉम होता है या ऑफ होता है या ओ डबल एफ होता है। देखिए कैसे, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ये देखिए यहां फ्रॉम लगाया, क्यों? क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, सेपरेशन है। ठीक है, आपने कहा ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, मतलब उस व्यक्ति का ड्यूटी से अलगाव है, राइट ना, यहां आपने ऑफ लगाया। आपने कहा ही इज अवे फ्रॉम हिज होम, वो अपने घर से दूर है, अलगाव है, फ्रॉम लगाया। आपने कहा ही वॉज रॉब्ड ऑफ हिज मनी, उसके पैसे लूट लिए गए, यहां पे उसके पैसे उससे बिछड़ गए, अलग हो गए, इसलिए ऑफ लगाया। अच्छा, ओ डबल एफ, इसका एग्जाम्पल मैंने डालना भूल गया तो मैं आपको बोल दे रहा हूं। जैसे अगर आपको कहना हो कि दिस प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ, मतलब जमीन से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब जमीन से उसका रिश्ता खत्म हो रहा है, जहां वो जुड़ा हुआ है उससे अब ऊपर हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है, दिस प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ, ये देखिए ओ डबल एफ, राइट। अर्थात जब भी सेपरेशन अलगाव का बोध हो वहां पर आप फ्रॉम लगा सकते हैं, ऑफ लगा सकते हैं और ओ डबल एफ भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दिखा दिया है, इसे आप ध्यान भी रख सकते हैं, राइट। और ऑफ का एक यहां भी एग्जाम्पल है, टेक ऑफ के अलावा एक ऑफ यहां भी एग्जाम्पल है आपको दिखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा रिलेशन, पहले भी मैं बताया था फिर बता रहा हूं, रिलेशन और पोजेशन। पोजेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई ना पॉजेस से हुई है, पॉजेस मीन्स होता है टू होल्ड, पकड़ रखना, पकड़ वहीं रखते हैं जहां अधिकार होता है, मतलब पॉसेसिव केस का प्रयोग आपको याद होगा, प्रोनाउन में पॉसेसिव केस का प्रयोग अधिकार के लिए करते हैं, अधिकार को दर्शाने के लिए करते हैं। अर्थात जब भी रिलेशन में पॉसेशन अधिकार का बोध हो, अधिकार को दर्शाना हो, आप जो है इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और वो प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑफ होता है, राइट। जैसे आपने कहा दिस इज द हाउस ऑफ माय फ्रेंड, मतलब ये इसका हक है, इस पे, ये मेरे दोस्त का घर है, राइट, या मेरे दोस्त का घर है। आपने कहा आई एम द मेंबर ऑफ दिस फैमिली, आप हक से बोल रहे हो कि मैं इस परिवार का सदस्य हूं, मेरा राइट बनता है इस पे। आपने कहा ही इज सर्वेंट ऑफ माई अंकल, आप हक से बोल रहे हैं कि वो मेरे सर्वेंट है, मेरे अंकल का सर्वेंट है, यहां अधिकार है उस पे, राइट। मतलब जहां अधिकार को, रिश्ता रिश्तों को अधिकार में दर्शाना हो वहां हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, हमने कहा मटेरियल और इनग्रेडिएंट्स क्या होता है, जब किसी वस्तु या वस्तु का अंश, जब कोई वस्तु हो और उस वस्तु का अंश हो, उसका पार्ट हो, जैसे घी है तो घी दूध का पार्ट है, मक्खन जो है दूध का पार्ट है, तो वहां दर्शाने के लिए हम लोग ऑफ या फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखें कैसे, हमने कहा जैसे मान लो आपको कहना हो कि कुर्सी लकड़ी से बनी है, तो लकड़ी का पार्ट है ना कुर्सी, तो ऑफ लगाओगे, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, देखिए इसका पार्ट है, मतलब जहां कोई मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स किसी चीज का पार्ट हो वहां दर्शाने के लिए ऑफ या फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। हमने कहा दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड का पार्ट है चेयर, देखिए वुड का पार्ट है चेयर, वुड से ही कोरिलेटेड है चेयर, वुड से कोरिलेट है चेयर, इसलिए यहां ऑफ लगाया है। हमने कहा वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, ये देखिए फ्रॉम लगाया, क्यों लगाया, मिल्क से, मिल्क और बटर का कोरिलेशन है, मतलब ये मटेरियल ये इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे से दूरे हैं, जुड़े हैं, इसलिए यहां ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं हम लोग। आगे बढ़े, अब देखें हमने कहा पार्ट पोर्शन को दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं,
पार्ट पोर्शन दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए, दिस इज द विंडो ऑफ दिस हाउस, मतलब जो खिड़की होगा उस घर का एक भाग ही तो होगा, इसलिए यहां ऑफ लगाया। आपने कहा दिस इज द हॉर्न ऑफ माय कार, हॉर्न लगता कहां, कार में लगता है, तो क्या है, हॉर्न जो है कार का भाग है, इसलिए यहां ऑफ लगाया। मैंने कहा ना, पार्ट या पोर्शन को दर्शाने के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, पार्ट और पोर्शन को दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। गिव मी अ पीस ऑफ सिल्क, हाँ मुझे सिल्क का एक पीस चाहिए, यहां ऑफ लगाया है, राइट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा मींस या इंस्ट्रूमेंट, साधन को दर्शाने के लिए, जब किसी साधन या सोर्स को दर्शाने के लिए भी जो है हम लोग बाई, इन, विद, विदाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखिए, देखिए क्या है, साधन है वह आता है, कैसे आता है, कार से आता है, साधन है तो बाई लगाया है, ठीक है। दिस प्ले वॉज रिटन बाई मोहन, ठीक है, मोहन इसके साधन है, सोर्स है, जिसने इसको लिखा है, बाई, ठीक है। हमने कहा ही वॉज स्टक ऑफ लाइटिंग, ठीक है। हमने कहा दिस हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, मतलब इस कारण क्या है, सोर्स क्या है, फायर ही था जिसके कारण वो जल गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। इट इज रिटन इन इंक, देखिए अब इसका साधन क्या है, इंक है, इसलिए यहां इन इन लगाया है, राइट है। आगे बढ़ता हूं, देखें और एग्जाम्पल। हमने कहा इट इज रिटन इन पेंसिल, देखिए हमने कहा ना पेंसिल और इंक का ये सोर्स है इसका, इसलिए ऐसे लिखा है। हमने कहा ही स्पीक्स इन इंग्लिश, हाँ ये इसका साधन है, ठीक है। हमने कहा सी राइट्स इन हिंदी, हिंदी ये सोर्स है इसका, ठीक है। हमने कहा वी सी विद आवर आईज, देखिए सी, देखना सी का संबंध आईज से है, राइट का संबंध हिंदी से है, स्पीक्स का संबंध इंग्लिश से है, रिटन का संबंध पेंसिल से है, तो इन सबों पे इन 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 विद, ठीक है। फिर सी का संबंध आई से है, विदाउट, ठीक है। हाँ क्यों लगा विदाउट, क्योंकि अगर यहां विद लगता, विद तब लगता जब सेंटेंस पॉजिटिव होता, जैसे देखिए ऊपर कहा हम लोग आंख से देखते हैं, वी सी विद आवर आईज, यहां विद लगाया, यहां निगेटिव है, कांट लग गया, कांट लग गया, निगेटिव के लिए निगेटिव प्रीपोजिशन लाया, विदाउट, वी कांट सी विदाउट आईज, राइट। अर्थात यहां से हमें पता चला कि सोर्स और साधन को दर्शाने के लिए, जैसे कम है, कम का साधन से कार से जुड़ा है, इसलिए यहां बाई लगाया, ठीक है। रिटन है, राइट, रिटन है, रिटन लिखा किसने है, मोहन ने लिखा है, तो बाई लगाया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने देखा। यहां फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वंस अगेन अखिलेश इज हार्टली थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स एंड द एक्सपेक्टेड व्यूअर्स हु आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द अनअकैडमी। अगेन आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज कीप ऑन वॉचिंग अखिलेश कुमार एंड फॉलो अखिलेश कुमार ऑन अनअकैडमी, राइट। हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स।